मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, तोशाखाना श्री दरबार साहिब। अक्सर जो लोग दरबार साहब जाते हैं उन्होंने वहां जलाव देखी होगी। ये कुछ एक जो गुरुपर्व होते हैं, साल में 3-4 बार जलाव होती है, जो दुर्लभ नगीने हैं, आर्टिकल्स हैं तोशाखाना में, उनको डिस्प्ले किया जाता है। और मेरा ख्याल कुछ घंटों के लिए तो जो संगत सौभाग्यशाली होती है वो आती है, दर्शन करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इनका इतिहास क्या है। मेरी बड़ी इच्छा थी, ये हमारी समझ लीजिए लगभग जो जिस श्रृंखला हम बना रहे थे सिख इतिहास में फिल्में, तो उसमें फिर बीच में ब्रेक आ गया, तो ये आखिरी फिल्म थी। आखिरी से मतलब गैप आ गया, उसके बाद में दोबारा फिर हमने शुरुआत की, लेकिन एक गैप के बाद। तो ये हमारी 6वीं या 7वीं फिल्म होगी। बहुत मुश्किल था इसको बनाना। सबसे बड़ा मुश्किल का कारण ये था कि इसकी परमिशन नहीं मिलती है। और आप यकीन मानिए कि मैंने कभी, मेरा ख्याल है 2-2.5 साल लगा दिए परमिशन लेने के लिए, और कोई भी सज्जन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरी इच्छा थी कि लोग आते हैं वहाँ, दर्शन करते हैं, साल में 2-4 बार 5 बार जब भी वो जलाव करते हैं किसी विशेष गुरुपर्व पे, तो संगत दर्शन तो कर लेती है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता है कि ये कौन कौन सी चीज है, ये किसने दी, इसका पीछे इतिहास क्या है, किसकी क्या भावना थी। मेरी इच्छा थी कि ये लोगों को मालूम हो, संगत को इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि वो हमारी कौम की धरोहर है, हमारी कौम का खजाना है, किसी का व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। अब परमिशन की बात ये थी कि जितने भी लोग थे लगभग 4 लोग हैं जिनके पास चाबी होती तोशाखाना साहब की, तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि भाई अगर कुछ वहां से आगे पीछे हो गया या गायब हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं कई बार आया वहां, मैंने कई जो जिम्मेदार लोग थे एजीपीसी के, उस वक्त के एजीपीसी के सेक्रेटरी थे, प्रधान थे, जयदार अकाल तख्त साहब थे, दरबार साहब के हेड ग्रंथी थे, दरबार साहब के मैनेजर थे, इस तरह से बहुत सारे लोगों से मैं अक्सर जाके मिलता था और उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे तोशाखाना की शूटिंग करनी है। तो वो तमाम लोग मुझे ऐसा लगा कि मुझे गंभीरता से नहीं लेते थे, और वो कहते थे कि मतलब अपने ढंग से वो कहते थे कि मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, आपको कैसे परमिशन मिल सकती है तोशाखाना की शूटिंग करने की, अगर वहां कुछ गायब होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, हम में से तो कोई लेगा नहीं, और 4 लोगों को इकट्ठे करना पड़ता है। तो ये करते कराते मैं लगभग नाउमीद हो गया। इसका जिक्र मैं रब भगवान से मेरी बातें में कर चुका हूं। तो एक फिल्म की मैं शूटिंग करने गया हुआ था, मेरा ख्याल प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब थी, तो शूटिंग वगैरह करके हम लोग बैठे हुए थे बाहर। मैं अक्सर वहीं बैठता हूं, दशनी जोड़ी से थोड़ा हट के एक तरफ, जहां 2 निशान साहब लगे हुए हैं मेरी पीरी के, वहीं पास ही में एक साइड में जहां टर्न है, जहां हुक्मनामा लिखा रहता है उनके, और जहां ये 2 निशान साहब हैं मेरी पीरी, इनके बीच में कहीं मैं बैठता हूं। हर बार वहीं से मैंने गुरु साहब से बात की है बैठ के। तो मैं वहां बैठा हुआ था अपनी टीम के साथ, सुबह का टाइम था, रात भर हमने शूटिंग की थी और सुबह सुबह आगे फिर लग गए थे। गुरु साहब की जो सवारी जाती है पालकी साहब, वो शूट करना था, फिर हुक्मनामा वगैरह ये शूट करते हैं। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने वहीं बैठे बैठे प्रार्थना की कि बापू
शूटिंग करवा दो, आपके लिए तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो नहीं करने देंगे मुझे। और मैं बॉम्बे से आता हूँ अपनी टीम लेके, तो साधन बड़े सीमित हैं, फंडिंग की समस्या आपको मालूम है। अब मैं आया हुआ हूँ, दो कैमरे का इंतजाम किया है, तो करवा दो शूटिंग बापू, आपके लिए बहुत मामूली बात है और आपको मालूम है मेरी भावना, मैं क्यों कर रहा हूं, ये रह जाएगा, संगत को पता चलना चाहिए, वो दर्शन कर सके। ऐसे में मन में मन बैठा वहां, प्रार्थना की मैंने गुरु साहब से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 5-7 मिनट के बाद उसके कोई 5-7 सिंह सरदार साहेबान वो आए, उनमें से एक मुझे जानता था, मैंने जब खालसा की शूटिंग की थी तब से, तो उसने आके मुझे फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मैंने भी कहा वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, तो वो लोग वही मेरे पास ही खड़े हो गए। बड़ा अजीब मंजर था ये, तो मुझे कहने, और क्या हाल है आपके, क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई गुरु ग्रंथ साहब पे, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की विशेषता के बारे में फिल्म बना रहे हैं, तो उसकी शूटिंग कर रहा था। कहना अच्छा अच्छा, नहीं बड़ी कृपा है आपके ऊपर गुरु साहब की, और बड़ी देन है आपको, आपकी हमारी कौम को, हमारे यहाँ पंजाबी बोलते कालना है, बड़ी आपकी कालना है और गुरु की बड़ी कृपा है, तो पंजाबी में बोल रहे थे। तो मैंने कहा बापू की कृपा है। तो फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया, पॉज आया, वो खड़े रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहने हम लोगों ने जलाव करनी है, तोशाखाना जा रहे हैं। अच्छा, ये लगभग तोशाखाना के सामने ही बैठे हुए थे, थोड़ा डायगोनली एक साइड में। तो मुझे जैसे आप ना घंटी बजती है कि ये लोग जलाव करने जा रहे हैं, कमाल है, मुझे तो मालूम नहीं था, ये तो गुरु साहब ने भेजे। तो मैंने थोड़ा सा पॉज दिया और उससे कहा कि यार हम लोगों ने तोशाखाना की शूटिंग करनी थी, तो शायद उनका नाम कुलदीप सिंह था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो कले कर लीजिए। तो मैं फिर चुप कर गया कि इसको मालूम नहीं कि ये सज्जन क्या कह रहे हैं मुझसे। तो थोड़ा सा पॉज, डरते डरते मैंने देख के कहा कि तो मतलब आप कब जा रहे हैं वहां खोलने। तो उन्होंने बस अभी जा ही रहे हैं, एक दो सज्जनों का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर आपको देख के हम यहां आ गए। तो जा ही रहे थे तो मैं चुप कर गया। तो अब मन में सोचता रहा कि क्या किया जाए अभी, कि इतना विकट मामला है, इतनी बार कोशिश कर चुका हूं, इतनी बार मना कर दिया गया है, और ये मुझे कह रहा है कर लो। तो मैंने फिर कर लेते हैं शूटिंग, ना कर लो। तो मैंने कहा कि वो तब तक वो दो लोग भी आ गए उनके, जिनको इंतजार कर रहे थे। तो मैंने कहा फिर आप अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो चलो भाई चले चलो। हम उनके साथ चल पड़े और हमने वो सारी शूटिंग की। बीच में उन्होंने पूछा हमारे असिस्टेंट से कि इनके पास परमिशन तो है, तो उन्होंने कहा पूछ लो परमिशन, तो नहीं इनके पास परमिशन है भाई। और मैं चुप रहा, मैं शूटिंग करता रहा खुद भी एक कैमरे के साथ, क्योंकि हमारे लिए वो दुर्लभ मौका था, गुरु ने दिलवाया था। और मैंने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़ी कृपा है भाई, परमिशन उनके पास होगी, गुरु साहब की बड़ी कृपा, उनकी बड़ी सेवा है, बड़ी कालना है। और हम लगे रहे वो करने के बाद, उन्होंने पूरा प्रोसेस शूट किया, वो लेके गए, फिर वहां से वापस आए, फिर उन्होंने रखा, फिर शूट किया। फिर उसने पूछा एक आदमी ने कि इनके पास परमिशन तो है, तो असिस्टेंट ने कहा कि हाँ भाई आप परमिशन दोगे, पूछ लो आप इनसे। मैं फिर चुपचाप शॉट लेता रहा, मैंने रिएक्ट नहीं किया। और नहीं नहीं बड़ी कृपा इनके ऊपर, एक सज्जन बोला बड़ी कालना, बड़ी इनकी सेवा है भाई, परमिशन तो होगी। और हमने पूरी शूटिंग कर ली, गुरु साहब का लंबे लेट के धन्यवाद किया, और आज हम वो फिल्म आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो गुरु साहब ने आप बनवाई। वैसे तो ये सारी फिल्में गुरु साहब ने आप बनवाई हैं, मेरी कोई काबिलियत नहीं थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे पास इतना कोई ज्ञान नहीं था, ये तो आप गुरु साहब ने खड़े होके, आप लिखवाया, आप बुलवाया है, आप सारे इंतजाम करवाए हैं। ठीक है हमारे कर्म ऐसे हैं कि संघर्ष करना पड़ा, लेकिन गुरु साहब, मैंने ये सारे वीडियोस रब भगवान से मेरी बातें में डाले हुए हैं, शायद इसका भी जिक्र होगा वहां पे तोशाखाना वाला। तो ये फिल्म, इसकी शूटिंग क्योंकि परमिशन मिलती नहीं थी, 2-2.5 साल गुजर गए थे, मैं नाउमीद हो चुका था, लेकिन गुरु साहब ने दया करके मेरी अरदास प्रवान करके तुरंत मुझे जवाब ये बड़ा कमाल होता था, कई बार तो तुरंत ही जवाब देते थे, मतलब कहो रविदास हाथ पे मेरे, ऐसे ही नजदीक होके सुनते थे। मतलब देखिए वो उनको लाके जो खोलने वाले मेरे मेरे पास ही खड़े कर दिए, और बातचीत के दौरान खुद ही उनसे बुलवा दिया कि हाँ अभी खोलने जा रहे हैं, आ जाओ कर लो। तो ये गुरु की कृपा थी। तो हमने ये बिना परमिशन के, जिसकी परमिशन
असंभव थी, नहीं दी जा रही थी, जिसमें 2.5 साल गुजर गए थे, उस फिल्म की शूटिंग बिना परमिशन के गुरु साहब ने करवाई और मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। ये सब उनकी दया दृष्टि है, वही हम बुलवाते हैं। तो संगत की सेवा में, मेरी कौम की सेवा में ये दुर्लभ फिल्म, छोटी सी दस्तावेजी फिल्म है, हाजिर है। जितना इसको बनाने में, इसको देखने में, जब मैंने इसको जब भी कभी देखा, मुझे आनंद आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी उतना आनंद आएगा। तो विनम्रता के साथ, विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, आप सबकी सेवा में पेश है ये एक दुर्लभ फिल्म, तोशाखाना श्री दरबार साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, गुरु साहिब दी अपार बख्शिश सदका दास अपनी एक होर दुर्लभ दस्तावेजी तस्वीर तोशा खाना श्री दरबार साहिब लैके फिर आप सबना दी सेवा विच हाजिर है। वैसे तो तकरीबन अपा सारिया ने ही हर साल कुछ विशेष दिहाड़ियां ते श्री हरिमंदर साहिब विखे जलौ दे दीदार किते होणगे, पर साडे विचों ज़्यादातर प्रेमियां नूं जलौ विच इस्तेमाल कीती जाण वाली बेहद कीमती अते दुर्लभ समगरी दे पिछोकड़ बारे कोई खास जानकारी नहीं होगी। जलौ अरबी भाषा का शब्द है अते इस दे अर्थ हैं सजावट का सामान, अते जिथे जलौ की इस सारी समगरी नू बेहद एहतियात नाल संभाल के रखा जाता है, उस स्थान का नाम है तोशाखाना। तोशाखाना भाव बेहद कीमती गहने, वस्त्र अते साजो सामान रखने वाला स्थान, जिमें कि श्री हरिमंदर साहब का तोशाखाना, जो कि श्री हरिमंदर साहब की दर्शनी ड्यूड़ी के सज्जे पासे नाल लगवें फराश के कमरे के उपर पहली मंजिल से बनया होया है, जिथे जलौ की सारी दुर्लभ समगरी बेहद एहतियात नाल संभाल के रखी जाती है। तोशाखाना विखे एक वड्डे शटर के अंदर वार शीशियां की इस अलमारी विच जलौ का ज़्यादातर सामान इस तरह सजा के रखा जाता है, ताँ जो बाहरों आए किसी खास प्रमुख व्यक्ति जां यात्रुआं नूं शीशे की अलमारी विच सजे सजाए समान के दर्शन करवाए जा सकन। एक अदुत्ती सुंदर कीमती हीरियां मोतियां रत्ना ते जवाहरात दा खजाना है। तोशाखाना दी सारी समगरी दी सुरक्षा वजों तोशाखाने दीयां चाबियां किसी एक व्यक्ति कोल नहीं, सगों चार जिम्मेदार व्यक्तियां कोल हुंदियां हन। पहली चाबी मुख ग्रंथी श्री दरबार साहिब कोल हुंदी है, दूजी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब कोल, तीजी मैनेजर दरबार साहिब कोल, अते चौथी सकत्तर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल हुंदी है। जलौ वास्ते समगरी उपलब्ध करवाउण लई तोशाखाने दीयां चाबियां रखण वाले चारों व्यक्ति खुद आउंदे हन जां अपने किसी सहायक दे हथ चाबियां भिजवा दिया करदे हन। जब चार चाबियां इकट्ठियां हो जांदियां हन तां तोशाखाना खोलिया ते बंद कीता जांदा है। तोशाखाना खोलण अते बंद करन समय चाबियां रखण वाले चारे व्यक्तियां जां उन्हां दे नुमाइंदियां तों इलावा मुख ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहिब अते मुख ग्रंथी गुरद्वारा बाबा अटल साहिब भी मौजूद हुंदे हन, जिस करके किसी वस्तु दे नुकसान होण दा डर नहीं रहिंदा। तोशाखाना दी सुरक्षा दे पक्खों दर्शनी ड्यूटी दे हेठ अठे पहर चौबदार अते सेवादार पहरा दिंदे रहिंदे हन।
जलौ लगन वाले दिन श्री हरिमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते गुरुद्वारा बाबा अटल साहब विखे तिना थावां ते जलौ दा समान भेजा जांदा है। तिना थावां ते जाण वाले समान दियां अड अड सूचियां बणियां होईयां हन। पहला साल विच 4 वार पर हुण साल विच 6 वार जलौ लगाया जांदा है। प्रकाश पुरब श्री गुरु नानक देव जी, प्रकाश पुरब श्री गुरु रामदास जी, गुरता गद्दी दिवस श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, प्रकाश पुरब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अते गुरता गद्दी दिवस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। इन्हां 6 पावन दिहाड़ियां ते श्री हरिमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब अते गुरुद्वारा बाबा अटल साहब विखे जलौ सजाया जांदा है। यह जलौ सुबह 10 बजे तो 12 बजे तक केवल 2 घंटे ही संगतां वास्ते दर्शनां लई सुपाएमान रहिंदा है। इस नियत समय तो पहला जां बाद विच आउण वालियां संगतां अपनी इस अलौकिक विरासत दे दीदार करन तो वांझियां ही रह जांदियां हन। जलौ दा इतिहास सिख राज दी स्थापना दे नाल ही आरंभ हुंदा है। उस तो पहलां दी कोई भी वडमुल्ली वस्तु नहीं है। सिख राज दी स्थापना पिछों ही श्री हरिमंदर साहिब नूं सुनहरी कीता गया अते संगमरमर नाल सजाया गया सी। इस तरह जब श्री हरिमंदर साहब की कीर्ति हर पासे फैलन लगी तो सिख सरदारां अते राजयां वल्लों वडमुल्ले पदार्थां दे चढ़ावे भी चढ़न लग पए सन। पर सब तो वध कीमती वडमुल्ला अते वधेरे मात्रा विच जलौ दा समान महाराजा रणजीत सिंह वल्लों ही समय समय सिर भेट किया जाता रहा। जां उन्हां तो बाद शरदालु सिखां, सिख जथेबंदियां, संतां महापुरखां, नवें सजे अमरीकन सिंह सिंघणियां अते फकीर मुहम्मद मस्कीन वर्गे गैर सिख शरदालुआं वल्लों भेट किया गया है। दास ने अपनी तुच्छ बुद्धि अते सीमित जिहे स्रोतां मुताबक तोशाखाना विखे मौजूद हर दुर्लभ समग्री बारे हर संभव जानकारी हासिल करने दे यतन तां कीते सन, पर साडे ज़्यादातर आगुआं अते प्रबंधकां दी संकीरण सोच अते तंग नज़रिए करके सानू कुछ एक बेहद अहम समग्री तो इलावा तोशाखाना विखे मौजूद हर वस्तु बारे पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। खासकर कई तरह के जड़ाऊ हारां अते छोटे आकार दीआं दुर्लभ वस्तुआं बारे जिन्हां दी विस्तृत सूची संगतां दी जानकारी लई इस तस्वीर दे अंत विच दित्ती जाएगी। असीं उम्मीद करदे हां कि तोशाखाना श्री दरबार साहिब बारे संसार दी इह पहली अते इको इक दस्तावेजी तस्वीर संगतां नूं काफ़ी हद तक तोशाखाना विखे मौजूद अपनी कौमी विरासत नाल रूबरू करवाउण वल एक बहुत ही तुच्छ जिहा पर सार्थक कदम साबित होवेगी। तोशाखाना विखे जलौ दी इस दुर्लभ अते अदुत्ती समग्री विच अजिहियां सुनहरी पत्रियां वालियां चित्रकारी भरपूर 4 जोड़ियां भाव 8 तख्ते शामिल हन। इन्हां विच्चों एक जोड़ी महाराजा रणजीत सिंह वल्लों, दूजी महाराजा खड़क सिंह दी माता जी वल्लों, तीजी महाराजा खड़क सिंह वल्लों अते चौथी कंवर नौनिहाल सिंह दी माता जी वल्लों भेट की गई सी। इन्हां जोड़ियां नूं तांबे अते लोहे दीआं मेखां लगियां होईआं हन अते सिख विरसे नाल संबंधित बेहतरीन चित्रकारी की गई है। ये 4 जोड़ियां जलौ दे समय श्री हरिमंदर साहब दे चौहान दरवाज़ियां विच चढ़ाईयां जांदियां हन। ये 2 सुनहरी कमानियां हन जिन्हां दे सहारे श्री हरिमंदर साहब विखे जलौ दी ज़्यादातर समग्री नूं सजाया जांदा है अते जलौ तो पहलां दरबार साहब विखे इन्हां नूं इस तरह लाया जांदा है। तोशाखाना विखे दरबार साहब दी जलौ वास्ते ये 10 छब्बे मकैशी, 9 छब्बे लड़ियां मोतियां दियां, 4 सोने दे बने मोर, सोने दे ही बने 2 खंडे ते चकरियां तो इलावा 2 सुनहरी थम्मे अते सोने दे इन्हां बहुत ही कीमती जड़ाऊ हारां दी जांच परख कर लैण तो बाद इस सारी समग्री नूं दरबार साहिब विखे जलौ विच शामिल कीता जांदा है।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜੜਾਊ ਸਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 1,32,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 108 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਰੇ ਦੀਆਂ 35 ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਭੇਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੌ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਜੜਾਊ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੌ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜੜਾਊ ਹਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੌ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛਤਰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਛਤਰ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਝਾਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਛਤਰ ਲਗਭਗ 10 ਸੇਰ ਕੱਚੇ ਭਾਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਸ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਮਾਣਕ, ਲਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਛਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜਲੌ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੌ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛਤਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਜੜਾਊ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਧੀਆ ਨੀਲਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੌਹਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੀਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੋਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੌ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੌ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 6 ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਹੀਆਂ 1923 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਬਾਟੇ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ
अपने सिरां ते चुक के बाहर सुटे सन। इवें ही 1973 की कार सेवा समय पंजा प्यारियां ने इन्हां कहियां नाल ही आरंभ विच पंज बाटे भर के बाहर सुटे ते एक कही 1973 नूं होई कार सेवा समय पंजाब एंड सिंध बैंक वालों भेंट की गई सी। इन्हां दे फल सोने दे अते दस्ते चांदी दे हन। इन्हां नूं जलाओ दे समय श्री हरिमंदर साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने चांदी दे बाटियां सहित इस तरह सजाया जांदा है। चांदी दे इन्हां बाटियां दी कुल गिणती 16 दसी जांदी है। ये निरी चांदी दे बने हुए हैं। इन्हां विचों पंज चांदी दे बाटे 1923 दी कार सेवा वेले सुनहरी कहियां समेत तैयार कीते अते वरते गए सन। इवें ही 1973 दी कार सेवा समय इन्हां दी वरतों कीती गई सी। पंज चांदी दे बाटे पंजाब दे मुख मंत्री ने पंजाब सरकार वल्लों चांदी दी एक कही समेत 1973 दी कार सेवा समय भेंट कीते सन। इसे ही मौके ते पंजाब एंड सिंध बैंक वल्लों पंज चांदी दे बाटे भेंट कीते गए सन अते एक चांदी दा बाटा संत कुंदन सिंह जी कलेरां वल्लों भेंट कीता गया सी। इस तरह चांदी दे एक कुल बाटे 16 हो गए सन। इन्हां बाटियां विचों पंज बाटे जिलौ दौरान पंज कहियां समेत गुरु चरणां विच सजाए जांदे हन। सुनहरी मुठ अते ठोकर वाली ये तलवार महाराजा रणजीत सिंह जी दी है। मुठ उपर सुंदर सोने दा कम कीता होया है अते विच हीरे जड़े हुए हन। ये तलवार जंग जां आम वरतों विच नहीं आउंदी सी, केवल खास मौकियां उपर महाराजा साहिब इसनूं हथ विच पकड़ के अपने दरबार विच आया करदे सन, जां इस तलवार नूं कुछ खास रस्मां वेले वरत्या जांदा सी। ये इतिहासिक तलवार जलाओ दे दौरान दरबार साहिब विखे गुरु चरणां विच सजाई जांदी है। ये सुचे मोतियां दा हार एक अजिहे अमेरिकन गोरे सिख वल्लों शुकराने दे तौर ते भेट कीता गया सी, जिसदा कैंसर दा ला इलाज रोग दुख भंजनी बेरी हेठ इशनान करके दरबार साहिब विखे अरदास करन उपरंत लगातार नाम जपण अते सरोवर दा जल छकदे रहण नाल ठीक हो गया सी। जलौ दे दौरान ये इस तरह गुरु चरणां विच सजाया जांदा है। सोने दे ये दो वड्डे फूलदान दिल्ली दे एक अजिहे परिवार वल्लों गुरु साहिब दे चरणां विच अपनी अथाह श्रद्धा दा इजहार अते शुकराना करन वास्ते इस लई भेंट कीते गए सन, क्योंकि उन्हां दे संतान नहीं सी, पर दरबार साहिब आ के इशनान ध्यान अते अरदासां करन उपरंत वाहिगुरू दी मेहर नाल उन्हां नूं दो पुत्रां दी दात हासिल हो गई सी। जलौ दे दौरान इन्हां नूं गुरु चरणां विच इस तरह सजाया जांदा है। श्री हरिमंदर साहिब तो मन मंगियां मुरादां हासिल कर लैण वालियां श्रद्धालु संगतां अपनी श्रद्धा अते शुकराने वजों निरंतर दरबार साहिब विखे अपनी भावना अनुसार माया दे नाल नाल सोना भी भेंट करदियां रहिंदियां हन अते संगतां वल्लों भेंट कीते गए उस सोने नूं पूरी तरह शुद्ध करवा के समय समय ते उस दियां इट्टां बनवाउण उपरंत उन्हां नूं तोशाखाना विखे बेहद हिफाजत नाल संभाल के रख्या जांदा है। चंदन दियां तारां दा बणिया यह दुर्लभ चौर एक मुसलमान फकीर हाजी मुहम्मद मस्कीन जी वल्लों 31 दिसंबर 1925 नूं बड़ी श्रद्धा नाल श्री दरबार साहिब विखे भेंट कीता गया सी। हाजी मुहम्मद मस्कीन जी ने 9 मण 14 सिर चंदन विचों 5 साल 7 महीनों विच वाल वर्गियां बरीक 1,45,000 तारां अपने हत्थीं तैयार करके ये चंदन दा चौर आप तैयार कीता सी, जिस दी मुट्ठी चांदी दी बनी हुई है। चौर भेटा करन समय उस दिन श्री अकाल तख्त साहिब दे सामने बड़ा भारी दीवान सजाया गया सी। संगतां दी भारी भीड़ नूं इस चौर दे दर्शन करवाए गए अते फकीर जी नूं श्री दरबार साहिब वल्लों 101 मोहरां 160 रुपए मुल दा गर्म तुस्सा, 1 बनारसी रेशमी दुपट्टा अते 1 खदर दा पीला परना सिरोपाओ वजों भेंट कीते गए सन। हुण इस चौर नूं सागवान अते दंद दे कम नाल सजे हुए इस शीशे दे बक्से विच सांभ के तोशाखाना विखे रख्या जांदा है अते जलौ समय इस नूं होर समग्री सहित श्री अकाल तख्त साहिब विखे सजाया जांदा है। इस चौर दी मुठ चांदी दी है अते इस उपर उर्दू विच ये अक्खर उकरे हुए हन,
पांच बरस सात महीने में संदल के बालों को बनाते हुए 1,45,000 बालों का यह चौर साख्ता हाजी मस्कीन दस्तकार सरस चंदन ने बनाया, शाह की खिदमत में लाया गया। तोशाखाना विखे मौजूद दुर्लभ समग्री विच एक बहुत ही कीमती अते सुंदर मखमली चाननी सी। उस चाननी दे अंदर वार हर थां ते सुंदर कीमती हीरे ते रतन जड़े हुए सन। उन्हां समयां विच उसदी कीमत 1,00,000 रुपए तो घट नहीं सी। उह चाननी हैदराबाद दे निजाम वल्लों महाराजा रणजीत सिंह नूं मित्रता दी निशानी दे तौर ते भेंट कीती गई सी, पर महाराजा रणजीत सिंह ने उस चाननी दी सुंदरता अते दुर्लभता नूं देख के अपने आप नूं उसदे योग ना समझदे होए उह चाननी गुरु चरणा विच भेंट कर दित्ती सी। हालांकि उस हेठ एक वार बैठन करके जथेदार अकाल तख्त साहब ने महाराजा रणजीत सिंह नूं 2 पिंड दरबार साहब दे नाम लगवाउण दी तनखाह भी लाई सी अते महाराजा साहब दे तनखाह वजों 2 पिंड दरबार साहब दे नाम लगवा देण ते ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਹੇਠ ਅਫਸਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਚਾਨਣੀ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਖ ਨੂੰ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਲੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੌ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਸਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ
रोजाना दिन भर श्रद्धालु संगतां श्री हरिमंदर साहिब दे नाल नाल निरंतर इस दुर्लभ धरोहर दे वी दर्शन दीदारे करके निहाल हुंदियां रह सकन। गुरु मेहर करे साडे औगणा ते ऊणताईयां नूं बख्श के सानू गुरसिखी दे सच्चे सुच्चे अते विलक्खण मार्ग ते चलण दी सोझी ते समर्था बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहे गुरु, 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 सतनाम वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु, 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 सतनाम वाहे गुरु। मंगल ढिलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल